नमस्कार, मैं वंदना जोशी। आज आपको बताऊंगी कि आलू बैंगन टमाटर की इंस्टेंट सब्जी कुकर में कैसे बनाई जाती आलू बैंगन टमाटर की सब्जी बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए वो यहाँ मौजूद है। ये आधा किलो बैंगन है जो हमने काट के पानी में डाल के रखा है, क्योंकि पानी में डाल के रखना चाहिए काट के, नहीं तो ये काले पड़ जाते हैं। और आलू को भी हमने पानी में इसके छिलके निकाल के पीस करके पानी में डाल के रखा है। और ये आलू के पीसेस करके रखे हैं हमने। और ये जो टमाटर है, ये दो टमाटर लिए हैं, इनको भी हमने धो के और काट के रखा है। और ये हींग है, ये नमक है, ये लाल मिर्च है, ये धनिया पाउडर है, ये साबुत जीरा है, और ये हल्दी है, और ये 2 टेबल स्पून तेल लिया है हमने। अभी हमने गैस चालू करी है, ये गैस चालू कर दी है, और इसमें अब ये हम 2 टेबल स्पून तेल डाल रहे हैं। जब ये तेल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें हींग जीरे का तड़का लगाएंगे और फिर इसमें सब्जी को हम डालेंगे। ये तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें अब हम जीरे का तड़का लगा रहे हैं। और ये हमने हींग डाल दी है इसमें, और इसमें आधा टी स्पून हल्दी पाउडर डाल दिया है। अब ये जो टमाटर हैं ये पहले डालेंगे। अब इसमें हम ये आलू डाल रहे हैं। आंच को हमने थोड़ा धीमा कर दिया है जिससे कि ये सब्जी गलेगी नहीं। अब इसमें ये हम बैंगन डालते हैं। ये कुकर में बहुत जल्दी बन जाती है और इसमें तेल भी कम लगता है और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। अब इसमें हम ये, अगर आपको स्पाइसी सब्जी खाना है तो इसमें थोड़ी मिर्च ज़्यादा डाल दीजिए, और कम मिर्च वाली अगर खाना हो तो कम भी डाल सकते हैं। और ये हमने धनिया पाउडर डाला है, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। अब इसको कुकर को हम बंद कर देंगे। अब ये स्वाद अनुसार नमक डाल रहे हैं। अब ये कुकर को हम बंद करके 2 सीटी ले लेंगे और आंच को थोड़ा धीमा ही रखेंगे, क्योंकि इसमें हमने पानी नहीं डाला है, ये टमाटर जो है पानी छोड़ देते हैं। अब ये हमारे कुकर में 2 सीटी आ गई है और ये कुकर भी ठंडा कर लिया हमने, हो गया है। अब इसको हम खोलेंगे। ये आलू बैंगन और टमाटर की सब्जी हमारी तैयार है। इसमें हमने दो से तीन सीटी ली है और ये बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई है। और इसमें अब हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल के इसको मिलाएंगे, फिर बाद में गार्निश के लिए थोड़ा सा बचा लिया है। ये सब्जी खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है और जल्दी बन जाती है। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।